बारहवीं कक्षा के सभी छात्रों को नमस्कार। आप यह यूट्यूब चैनल द्वारे आप बारहवीं का हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले हफ्ते में आपने आदर्श बदला इस कहानी का पाठ दिखाया है। इस कहानी के भाग पांच हो गए थे, सभी भाग आप पूरा किया गया है और इस कहानी की जो लिंक चाचने की लिंक दी गई थी सभी ने यह छुड़वाई होगी और कहीं यह छात्रों को लिंक भी मेरे पास आ गई थी और उन्होंने जो मार्क्स ले गए हैं अच्छा मार्क्स है। इसी प्रकार सभी को लिंक देना आवश्यक है और चाचने लेना ही आवश्यक है, यह आप जान रहे हैं। लेकिन आज आप एक व्यवहारिक हिंदी 20 अंक के लिए आपके बारहवीं कक्षा के यह पाठ्य पुस्तक में यह जो व्यवहारिक हिंदी है इसमें कई पाठ है और इस व्यवहारिक हिंदी के मैं उद्घोषक आनंद सिंह का आज पाठ दिखाने है कि मैं उद्घोषक जो व्यवहारिक हिंदी में कैसे यह कर सकते हैं और यह सूत्र संचालन और मंत्र संचालन है सब कैसे कर सकते हैं यह आज आप दिखाना चाहिए। पहली बार मैं लेखक परिचय आपके पास करती हूँ। इस पाठ का लेखक है आनंद प्रकाश सिंह जी का जन्म 21 जुलाई 1958 को असम राज्य की धूरी नामक स्थान पर हुआ। शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में हुई। शिक्षा लेते समय रुचि बढ़ती गई, उन्होंने जो आप शिक्षा लेते समय रुचि वृत्तियों को उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने कविता लेख फिल्म नाट्य कला समीक्षा हस्ताक्षर उन्होंने बना दिया। उद्घोषक के रूप में मुंबई में आते ही उन्होंने आकाशवाणी मुंबई में 29 वर्ष उद्घोषक पद पर कार्य किया। यह उद्घोषक का रूप क्या है कि नौकरी, उन्होंने यह उद्घोषक की सूत्र संचालन की जो नौकरी आकाशवाणी में की गई थी यह 29 साल का कार्य जो है यह कार्य किया है। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है यह उसे मालूम हुआ कि कौन सी भी हो कि कुछ पाना है तो कुछ खोना भी जाता है, कुछ लेना भी जाता है, कुछ करना भी पड़ता है। इसी तरह यह लेखक अनंत सिंह को भी कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ गया। उसका जन्म असम राज्य में हुआ, शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुआ और उन्होंने कार्य महाराष्ट्र के मुंबई में कर दिया। इसी तरह नौकरी करने के लिए वह मुंबई में आए थे। विभिन्न विधाओं को लेकर हिंदी साहित्य की सेवा की है। लेखक का आत्मकथन और आत्मकथा यह पाठ आपके सामने पेश कर रही हूँ। यह जो प्रमुख कृतियां है उनके पत्र पत्रिकाओं के विभिन्न विषय पर लेख समीक्षाएं कहानियां कविताएं आदि प्रसिद्ध है। आत्मकथा उन्होंने जो लिख दे है आत्मकथन या आत्मकथा जो लिख दे है इसके बारे में आपने कहना चाहिए। यह आत्मकथा का क्या हो सकता है, आत्मकथा लेखक हिंदी साहित्य में रोचक और पठनीय लेखक माना जाता है। अपने अनुभव व्यक्तिगत प्रसंगों को पूरी निष्ठा से बताना आत्मकथा की पहली शर्त है कि आत्मकथा जो है यह रोचक और पठनीय हिंदी साहित्य के होता है कि लिखने वाला अपना अनुभव जो है व्यक्तिगत प्रसंग जो है यह पूरे अनुभव के साथ बताता है आत्मकथा में। लेखक ने तटस्थता घटना के प्रति निर्भयता का निर्वाह आत्मकथा में विश्वसनीय बना देता है, विश्वसनीय होता है बना देता है। आत्मकथा में क्या है कि मैं इस उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो है यह लिखना आवश्यक है कि उदाहरणार्थ कोविड योद्धा है, इस कोविड योद्धा में नर्स हो वार्ड बॉय हो यह आदमी क्या करते हैं आत्मकथा लिखते हैं। प्रारंभ में जीव के क्या लिखते हैं, मैं कोविड योद्धा हूँ, सांगली के सिविल अस्पताल में मैं नर्स या वार्ड बॉय का काम करता हूँ रूप में काम करता है। वो अपना
अनुभव जो है यह अपना अनुभव क्या क्या बताता है कि अस्पताल में कोविड बीमारों के लोगों का इलाज करता हूं, 17 से 18 घंटे खड़े रहकर लोगों की सेवा करनी पड़ती है, वह अपना अनुभव जो है यह अनुभव बताता है। इसमें मैं यह ऐसा करता हूं वैसा करता हूं, यह कोई भी व्यक्ति मैं की जो भाषा है यह मैं की भाषा, अपना अनुभव जो है व्यक्तिगत जो प्रसंग है यह अनुभव या व्यक्तिगत प्रसंग यह आपके सामने पेश करता है। इस व्यक्तिगत प्रसंग में मैं जो पुरुषवाचक नाम जो है लिखना चाहिए इसे आत्मकथा कहा जाता है। इस पाठ में उद्घोषक के रूप में यह एक आत्मकथा अपने सामने यह आनंद सिंह ने अपनी आत्मकथा दी गई है। इस आत्मकथा के पाठ परिचय जो है, इस पाठ का उद्देश्य जो है, यह पाठ का उद्देश्य भी देखना आवश्यक है। यहाँ सूत्र संचालन की प्रस्तुति आत्मकथा के रूप में दी गई है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सफल उद्घोषक अथवा मंच संचालक बनने के आवश्यक गुण का उल्लेख किया है कि कार्यक्रम की सफलता होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, यह प्रमुख उद्देश्य जो है पाठ का उद्देश्य। इस पाठ का उद्देश्य मैं उद्घोषक इसमें ही छिपा गया है। क्या नसीना कि मैं उद्घोषक इसमें क्या है कि मंत्र संचालन हो, सूत्र संचालन हो, आकाशवाणी में लेखक उद्घोषक का जो नौकरी काम करता है, 21 साल तक उन्होंने मुंबई के आकाशवाणी में यह काम उद्घोषक का काम जो है यह उद्घोषक का काम किया है, इसलिए उन्होंने मैं उद्घोषक यह पाठ का नाम दिया है। सूत्र संचालन मराठी हिंदी में हो मंत्र संचालन कहते हैं कि जो मराठी में उसे सूत्र संचालन कहते हैं, हिंदी में उसे मंत्र संचालन कहते हैं, परंतु हिंदी में सूत्र संचालन शब्द भी लिया गया है इसी तरह। इसलिए कोई भी जंबलिंग नहीं करना, क्योंकि सूत्र संचालन या मंत्र संचालन हो या उद्घोषक, वो मंच पर का संचालन करना मालूम करना यही उद्देश्य होता है। सूत्र संचालन के जो विभिन्न प्रकार होते हैं, ये कौन से प्रकार होते हैं यह भी अपना देखना चाहिए कि इसमें क्या कहा है उन्होंने कि कार्यक्रम का सफलता मंच संचालक आकर्षक उत्तम संचालक यह निर्भय करना पड़ता है, और इसीलिए यह उसका अध्ययन जो करना है, इस अध्ययन में सूत्र संचालन के जो आवश्यक गुण है, इसमें पहला गुण कि अध्ययन की 3 महत्वपूर्ण गुण है। पहला गुण जो है सूत्र संचालन, यह महत्वपूर्ण गुण हो सकता है। दूसरा जो है आवश्यक गुण की यह प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार, सूत्र संचालन में 4 प्रकार है, इसीलिए यह अपना सूत्र संचालन किस तरह यह कार्यक्रम की सुंदरता को बढ़ाता है, यह 3 जो मुद्दे देता है इसे क्या कहा है, इसमें 4 चांद लगा देता है कि किस प्रकार की सुंदरता जो अपने कार्यक्रम है इसकी सूत्र संचालन करते समय यह 4 चांद कैसी तरह लगा देता है इसका भी यह है। इसीलिए वो कहा गया है कि जो सूझबूझ, समय सूचकता, हाजिर जवाबी और भाषा का समारोह नया आयाम प्रदान करता है। परंतु यह 3 पूर्ण महत्वपूर्ण जो मुद्दे है देखने वाले आप, इसमें पूरा पाठ पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि लेखक ने अपने आत्मकथा में कुछ ऐसे मुद्दे दे रहा है कि उन्होंने क्या किया है कि विषय पर सोच कर कार्य करना पड़ता है। जो विषय लेना है इस विषय पर सोचना चाहिए और अपना कार्य करना चाहिए। करियर करते समय यह मुद्दे का ध्यान रखना चाहिए, अपना करियर करते समय मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए। एक बात ध्यान में रखिए कि हर आदमी सूत्र संचालन करते समय सूत्र संचालन नेता नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि कला नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के पास, हर एक के पास कला होती है, उन्होंने अपने क्षेत्र में कला विकसित करनी पड़ती है, हर एक के पास होती है। किसी के पास सूत्र संचालन होते हैं, किसी के पास ड्राइंग की कला होती है, किसी के पास यह डांस कला होती है, यह सभी को से हर एक की कला है और प्रत्येक लोगों के पास यह कला होती है और यह इस कला को विकसित किसी भी क्षेत्र हो
विकसित करना चाहिए। लेखक ने उदाहरण के तौर पर आत्मकथा एक है, लेखक में कहते हैं कि मैं कैसे सूत्र संचालन करता है, मैं कैसा उद्घोषक बना, इसके बारे में बता रहा है। क्योंकि लेखक के आप जैसा संकुचित स्वभाव के थे, परंतु धीरे धीरे दिटाई आ जाती है, आत्मविश्वास आ जाता है, मंच पर आने लगते हैं और सूत्र संचालन होते हैं। इसीलिए आपको जो कला आपके मन में है, इसका मन में विकास करना चाहिए, यह दबा नहीं देना चाहिए, उसके प्रेरणा देना चाहिए। यह उन्होंने महत्वपूर्ण कहा है। इस पैसेज के तीन मौलिक संदेश जो है इस पाठ से दिया गया है कि आत्मकथा के में जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का जो प्रयोग किया है और यह परिचय मैं उद्घोषक इस कहानी के द्वारा ही किया गया है और इस कहानी के द्वारा ही किया है। देखिए पहला परिचय, मैं प्रति हूं, मैं उद्घोषक हूं। उद्घोषक के पर्याय शब्द के रूप में मंच संचालक और इंग्रजी में कहे तो एंकर हूं। मंच संचालक श्रोता वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी है, मैं उसी कड़ी का काम करता हूं। इसके लिए मेरी कई नामचीन व्यक्ति द्वारा बुरी बुरी प्रशंसा ही गई है। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जैसे हस्तियों के मुंहों में से यह सुनना ही बहुत अच्छा बोलते हैं। अच्छा उद्घोषक हो या मैं तो तुम्हारा फैन हो गया तो सचमुच स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता है। कि पहले परिचय में क्या कहा है कि मैं उद्घोषक, कि उद्घोषक की जो नौकरी की गई है लेखक ने मुंबई में 29 वर्ष के लिए, इसीलिए उन्होंने पर्यायवादी शब्द उसे क्या रूप में क्या है मंच संचालक उसे और अंग्रेजी में उसे एंकर कहते हैं। अतः यह मैं उद्घोषक का अर्थ सूचना की घोषणा या मंच सूत्र संचालक या एंकर ऐसे कहा जाता है। और उसने क्या कहा कि कड़ी, कड़ी के दोनों श्रोता और वक्ता, यह दोनों को जोड़ने के लिए जो तैयार की जाती है उसे कड़ी कहते हैं। और हस्तियां की एक महान व्यक्ति उसे नाम दिया है कि मंच पर बैठे लोग और सामने बैठे लोग, यह जोड़ने का काम जो है यह काम किसी को नहीं हो सकता। जो वक्ता है मंच पर बैठा व्यक्ति को कोई भी किसी के समय उठाकर बोलेगा यह नहीं चलता कि जो वक्त मंच पर बैठे हुए सभी लोग होते हैं, इस सभी लोगों में सभी लोग उठकर बोलने लगा तो क्या होगा, कौन सा भी कार्यक्रम सफल नहीं होगा। इसीलिए कि मंच पर बैठा व्यक्ति कोई भी किसी समय उठाकर बोलेगा यह नहीं चलता। कार्यक्रम की सुसूत्रता रखने के लिए सूत्र संचालन में बीच बीच में कंट्रोल रखने के लिए यह सूत्र संचालन का काम करना पड़ता है कि कंट्रोल रखना होता है वक्ता और श्रोता में। और कार्यक्रम के सुचारू ढंग से कार्यक्रम की सुंदरता जो है यह सुंदरता का बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। इसलिए इस सूत्र संचालन में वक्ता और श्रोता को जोड़ने की कड़ी कहा जाता है अथवा सेतु कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण बात पहली बात बताई है कि वक्ता और श्रोता दोनों में यह जोड़ने की कड़ी जो है यह पहली महत्वपूर्ण है। इसी जोड़ते ही क्या होता है कार्यक्रम की सुंदरता आ जाती है। लेखक यह जो काम करता है इसके लिए छात्रों को नामचीन व्यक्तियों के द्वारा बुरी बुरी प्रशंसा हो गई कि यह लेखक जो काम करता है यह नामचीन व्यक्ति बड़ी व्यक्ति है, नामचीन मतलब बड़ी व्यक्ति, यह बुरी बुरी प्रशंसा कि यह व्यक्ति ने बुरी बुरी प्रशंसा नहीं, लेकिन महान जो व्यक्ति होती है इस महान व्यक्ति ने प्रशंसा करने में यह महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए कि उसकी प्रशंसा करने पर कार्य करने की प्रेरणा और बढ़ जाती है। जब महान व्यक्ति कोई भी सूत्र संचालन करने वाले लोगों को प्रशंसा कर दिया जाए तो क्या होता है कि प्रेरणा उस सूत्र संचालक को प्रेरणा मिल जाती है, बढ़ जाती है। परंतु प्रशंसा करने वाला कौन है यह भी महत्वपूर्ण होता है। जो प्रशंसा करता है यह
है यह भी महत्वपूर्ण है। कोई काम न करने वाला उसकी प्रशंसा करे तो महत्व नहीं होता, कि कोई भी काम नहीं करता उसे मालूम भी नहीं हो सकता कि कैसे सूत्र संचालित है, लेकिन उन्होंने प्रशंसा कर ली तो वह महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। कोई महान व्यक्ति ने अगर आपकी पीठ थपथपाई और कहीं अपने बहुत अच्छा कार्य किया तो उस कार्य और अधिक सुंदरता लाने का काम आदमी करता है, कि कोई महान व्यक्ति ने यह कार्य तुम्हें अच्छा हुआ, तुम्हें कार्य अधिक सुंदरता उन्होंने कहा, तब यह काम आदमी का अच्छा हो जाता है। इसलिए कोई भी कार्य की प्रशंसा करना आवश्यक है और अपने से श्रेष्ठ लोगों की प्रशंसा पाना यह भी महत्वपूर्ण कार्य है। लेखक ने यह निजी अनुभव जो है बहुत तटस्थता से यह बताया कि पंडित भारत रत्न जो पंडित भीमसेन जी है जोशी है, उन्होंने यह महान व्यक्ति है और इस महान व्यक्ति से वो प्रशंसा सुन ली थी और इसीलिए वो कहते हैं कि द्वारा मेरी प्रशंसा हो गई, लेकिन डिंग नहीं मारना, यह प्रशंसा हो गई इसीलिए डिंग नहीं मारना, उसे प्रेरणा लेना है और प्रेरणा लेने से क्या होता है, अपना काम जो है अधिक सफलता से सुंदरता से बढ़ जाता है और आपकी कार्य करने के समय अपना माता पिता पीठ पर थकता पे न तो महत्वपूर्ण कि आपकी जो आप छात्र है, आप छात्रों ने कोई अच्छा काम किया, 12वीं कक्षा में आपने ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक मार्क्स मिलवा दिया बोर्ड परीक्षा में, तो अपने माता पिता को आनंद मिलता है और क्या करते हैं आपकी पीठ थपथपा है। उसी तरह किसी अपने से महान व्यक्ति ने जो आपकी प्रशंसा की जाती है, इस प्रशंसा का यह स्वयं यह क्या होता है, उद्घोषक बन जाता है, मैं तुम्हारा फैन हो गया कि फैन बन जाता है, यह स्वयं गौरवित अनुभव जो है, यह गौरवित अनुभव करने की पहली प्रेरणा लेखक ने यह पहले भाग में दी गई है। इसी तरह लेखक का पहला भाग हो गया है।